सहारनपुर के तीतर में इनामी अपराधियों की धरपकड़ में एसएसपी बबलू कुमार के आदेशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें सर्विस लांस प्रभारी मुबारक हसन टीम और तीतरों प्रभारी अरुण पवार ने सटीक सूचना पर बुधवार देर रात कोतवाली अंतर्गत सालियार के जंगल में बदमाशों की घेराबंदी की, जिसके बाद चारों ओर से गिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़ा गया बदमाश बड़गांव का रहने वाला है, जिस पर 25,000 का इनाम रखा हुआ था। बदमाश के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। अरुण पवार एवं सर्विलांस प्रभारी मुबारक हसन की टीम द्वारा नियमित चेकिंग की जा रही थी थाना क्षेत्र तीतरों में। दो व्यक्ति जो स्कूटी से जा रहे थे उनको रोकने का प्रयास किया गया, रोकते ही उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया, जिससे हमारा एक कांस्टेबल विनीत घायल हो गया है। भाग रहे बदमाशों का पीछा किया गया, सालियार के जंगल में एक बदमाश को गोली लगी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक पिस्टल और तमंचा बरामद हुआ है और एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। गिरफ्तार बदमाश एहसान सना फिलियास थाना बड़गांव क्षेत्र का टॉप 10 का अपराधी है। इसके विरुद्ध कई आपराधिक अभियोग दर्ज है और यह गैंगस्टर के अभियोग में मानचित चल रहा था। इसके ऊपर 25,000 का इनाम। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर के तीतरों से अब्दुल्ला पठान की रिपोर्ट।